मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए विपक्षी दलों ने साथ आना मुनासिब समझा। गठबंधन को एनडीए का नाम देकर सियासी गलियारों में हलचल भी मचा दी, लेकिन सीट बंटवारे की बात आते ही अब गठबंधन में दरार दिखने लगी है। इल्जाम कांग्रेस की रणनीति और महत्वाकांक्षा पर लग रहा है और गठबंधन के बड़े चेहरे अखिलेश यादव और नीतीश कुमार की कांग्रेस से नाराजगी अब साफ साफ झलकने लगी है। तो आखिर क्यों कांग्रेस पर लग रहा है वादा खिलाफी का इल्जाम, आइए आपको बताते हैं। देखिए हमारी इसी पर ये खास रिपोर्ट। ये प्रदेश में गठबंधन नहीं करना चाहते हैं, जब 24 की बात आएगी तो अलग तरीके से सोचा जाएगा। पहले कांग्रेस ईडी लगाती थी, अब बीजेपी ईडी लगाती है। पहले कांग्रेस नहीं बची, अब बीजेपी नहीं बची। देश में अगर जाति जनगणना को रोका किसी ने तो वो कांग्रेस पार्टी है। इंडिया गठबंधन में उलझन, कैसे होगी सत्ता की सुलझन? सीट बंटवारे पर बिगड़ता साथ एनडीए के खिलाफ बनेगी बात। अपनों संग कैसे होगा बंटवारा, सीटों का गणित होगा? 2024 में मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्षी दलों ने खुद को जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन में गांठ नजर आने लगी। मध्य प्रदेश चुनाव में सीट शेयरिंग मुद्दे पर बात बिगड़ी तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में दरार दिखने लगी, तो वहीं बिहार से इंडिया अलायंस के सूत्रधार नीतीश भी कांग्रेस से खफा नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनावों में मशगूल कांग्रेस के रवैये से नीतीश कुमार खफा खफा दिखे तो कांग्रेस से लेकर इंडिया गठबंधन तक में हलचल तेज हो गई। नीतीश ने सार्वजनिक मंच से कांग्रेस को कोसा तो विपक्षी खेमा भी सकते में आ गया। नीतीश का गुस्सा भाप कर पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। लालू यादव के साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। फिर खबर आई कि बिहार के सीएम के पास दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय से भी फोन आया। नीतीश से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम नीतीश से फोन पर बात की। खबर सामने आई कि आरजेडी और कांग्रेस ने नीतीश के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा की। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का फोन नीतीश को उनके उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में व्यस्त है, उसके पास इंडिया गठबंधन के लिए फुर्सत नहीं। अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा, अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो इसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनौवा होगा उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। दरअसल कांग्रेस से नीतीश की नाराजगी की अपनी वजह है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोशिशों का ही नतीजा है कि आज सभी विपक्ष की पार्टियां एक मंच पर दिखाई दे रही। नीतीश कुमार को भी इंडिया गठबंधन से काफी उम्मीदें थी। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को लगता था कि नीतीश कुमार को गठबंधन के अंदर बड़ा पद मिलेगा, जो आज तक नहीं हुआ। इंडिया अलायंस की पटना में हुई पहली बैठक में लालू यादव ने राहुल गांधी को गठबंधन का दूल्हा घोषित कर दिया, जिसके बाद नीतीश कुमार का पीएम उम्मीदवार बनने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया। दिल्ली में लालू यादव और राहुल गांधी की मुलाकात के बाद संयोजक बनने का भी सपना टूट गया, क्योंकि फैसला ये हुआ कि गठबंधन के अंदर 4 या 5 संयोजक बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार चाहते थे कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें सीट का ऑफर मिलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ और उसके बाद मजबूरी में जेडीयू को 10 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करनी पड़ी। एक तरफ नीतीश कुमार नाराज हैं तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच खिंची तलवार अब इंडिया गठबंधन को घायल कर रही। एमपी चुनावों में कांग्रेस से मनमुटाव हुआ तो अखिलेश ने लोकसभा चुनावों में यूपी से समाजवादी पार्टी के प्लान का ऐलान कर दिया, जो निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस को रास नहीं आएगा। आपको बता दें कि 1 नवंबर को समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी लोकसभा की 80 में से 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी ने यूपी की 80 में से 15 सीटें गठबंधन के लिए रखने का फैसला किया। अखिलेश यादव ने बैठक में साफ कर दिया कि दूसरे दलों से गठबंधन होने पर भी पार्टी अकेले 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही बैठक में अखिलेश यादव ने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की बात की। तय हुआ कि एक भी बूथ की मतदाता सूची में मनमाने ढंग से ना तो नाम काटे जा सके और ना फर्जी नाम जुड़ सके।
बैठक में हर कार्यकारिणी सदस्य को एक विधानसभा क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। एमपी चुनाव में सीट शेयरिंग में बात नहीं बनने के बाद से अखिलेश लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि अखिलेश बीजेपी को मात देने का दम भर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस को तुलना करने से भी नहीं चूक रहे। पहले कांग्रेस ईडी लगाती थी, अब बीजेपी ईडी लगाती है। पहले कांग्रेस नहीं बची, अब बीजेपी नहीं बचेगी। कांग्रेस कह रही है कि जाति गणना होनी चाहिए। इस देश में अगर जाति गणना को रोका किसी ने तो वो कांग्रेस पार्टी है, और वही बीजेपी जो पिछड़ों के खिलाफ है, जो आरक्षण के खिलाफ रही, वो भी आज जाति गणना की बात कर रही है। इसलिए मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि इन दोनों दलों से सावधान रहो। कांग्रेस को पता है कि समाजवादी पार्टी का ये रिएक्शन एमपी में कांग्रेस के एक्शन का जवाब है। यही वजह है कि यूपी में समाजवादी पार्टी के सीट शेयरिंग के फैसले पर कांग्रेस कुछ भी बोलने से बच रही, विधानसभा चुनावों के बाद मामला सुलझाने का दावा कर रही। अभी पूरी कांग्रेस पार्टी 5 स्टेट के चुनाव में हम लोग लगे हैं, और अभी 5 स्टेट का परिणाम आ जाएगा, उसके बाद निश्चित तौर से सीट शेयरिंग की बात होगी, और इस पर राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कि हमें क्या करना है, उनको क्या करना है, इस पर बैठ कर लोग तय करेंगे। अभी 5 स्टेट के जो परिणाम चुनाव आ जाएंगे, हो जाए, सब लोग खाली हो जाएंगे, उसको बैठ के तय करेंगे। यूपी की सियासत से इंडिया गठबंधन के बिखरने की खबर दिखी तो बीजेपी की भी बांछें खिल गई। विपक्षी गठबंधन पर तंज के तीर चले और गठबंधन को बेकार और बेअसर बताने से भी बीजेपी की टीम नहीं चुकी। गठबंधन धरातल पर सफल नहीं होगा, ये सत्ता के लोलुप लोगों का एक समूह है, जबकि भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जनता का भरोसा जीत चुकी है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर विजयश्री हासिल करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है, और बीजेपी का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। ये सब सीजनल लोग हैं, जब चुनाव आता है तो इस प्रकार का प्रयास जनता को भ्रमित करने के लिए करते हैं। ना कांग्रेस ना समाजवादी पार्टी किसी अलायंस के गठबंधन के प्रति ये लोग जवाबदेही इनकी नहीं है, और ना ही ईमानदार है उसके प्रति। जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लोग इनकी उपस्थिति पर प्रश्न खड़े ना करें, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए ये सब गठबंधन गठबंधन का प्रलाप अलापते हैं, और जो इन्होंने भ्रष्टाचार के साम्राज्य खड़े करे हैं उनसे बचने के लिए सभी इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन को नजरअंदाज करके कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को नाराज कर दिया है। नतीजा ये हुआ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। कांग्रेस ने जिन 6 सीटों का भरोसा समाजवादी पार्टी को दिया था, उन सभी सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। अखिलेश यादव इसको हजम नहीं कर पाए, और अब अखिलेश यादव यूपी के जरिए मध्य प्रदेश की नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का समीकरण किस हद तक बिगड़ चुका है, ये दोनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं की जुबान की तलखी से समझा जा सकता है। एक तरफ अखिलेश यादव कांग्रेस को धोखेबाज, चिरकुट और बीजेपी से मिला हुआ बता रहे हैं, तो वही कमलनाथ अखिलेश यादव का नाम तक पहचानने को तैयार नहीं। अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पर नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। बहुत उत्साह है, और इतनी संख्या से हम सोच रहे थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अरे भाई छोड़ो अखिलेश। हाल ही में यूपी में हुए घोसी विधानसभा उपचुनाव में इंडिया ब्लॉक ने समाजवादी पार्टी को समर्थन किया था, और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे, लिहाजा घोसी में समाजवादी पार्टी की जीत हो गई। लेकिन उत्तराखंड के बागेश्वर में कांग्रेस हार गई, जिसको लेकर अजय राय ने अखिलेश यादव को कसूरवार ठहराया था। कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है, और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ पर। हम इतना ही कहना चाहेंगे आदरणीय अखिलेश जी से और समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि आप बड़ा मन करिए, और जैसे हमने घोसी में बड़ा मन करके आपका समर्थन किया, आपको चुनाव जिताया, उसी प्रकार आप बड़ा मन करके मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करिए और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दीजिए, चुनाव हराइए। क्या विपक्षी गठबंधन का सपना बिखरने की कगार पर है? बीते कुछ दिनों के राजनीतिक हालातों को देखे तो ऐसा ही लगता है।
एक तरफ नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की कांग्रेस को लेकर नाराजगी इंडिया गठबंधन में हलचल पैदा कर रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच का विवाद भी अपने चरम पर है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी के बीच की कलह भी पश्चिम बंगाल की जमीन से इंडिया गठबंधन को लेकर अच्छी खबर नहीं ला रही है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के खिलाफ विपक्ष किस हद तक लामबंद हो पाएगा, इस पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि विपक्ष मोदी की नीतियों और फैसलों से परेशान है। मोदी सरकार को हटाने के लिए हर दल पूरी शिद्दत से कोशिश में जुटा है, लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि खुद को सर्वे सर्वा समझने वाली हर पार्टी किसी भी तरह से झुकने या कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं, और हर पार्टी की अपनी महत्वाकांक्षा भी इस गठबंधन पर भारी पड़ सकता है। ताजा हालातों को देखे तो इंडिया गठबंधन के बिखरने को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही, उसके पीछे विपक्षी एकता का इतिहास भी एक बहुत बड़ा कारण है। 2019 के आम चुनावों के पहले ऐसी कोशिशें हुई थी, पर यह संभव नहीं हो सका था। वही गठबंधन बनते वक्त कांग्रेस ने कुर्बानी के जो संकेत दिए थे, अब वो कहीं नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच खटास दिल्ली और पंजाब में मुश्किल खड़ी कर रही। साथ ही ममता बनर्जी से भी कांग्रेस की पटरी सही नहीं बैठती है। ममता बनर्जी की नाराजगी के बावजूद जाति जनगणना को मुद्दा बनाने और मुंबई में अपनी सहयोगियों से बिना बात किए राहुल गांधी का इंडिया के मंच से अडानी का विरोध करने जैसे मुद्दों पर ममता पहले ही अपना विरोध दर्ज करा चुकी। साथ बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के करीबी ने नीतीश की पार्टी जेडीयू के अंदर जमीन खोने का डर पैदा कर दिया। कुछ दिनों पहले कुपवाड़ा में अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से रूबरू हुए उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच की तनातनी पर भी चिंता जताई। ये भी कह डाला कि इंडिया गठबंधन के हालात ठीक नहीं है। विपक्षी गठबंधन उमर अब्दुल्ला की चिंता को खारिज नहीं कर सका और बीजेपी को विपक्षी खेमे पर तंज कसने का मौका मिल गया। देखा जाए तो अफसोस की बात यह है कि आज इंडिया अलायंस की थोड़ी हालत पतली है। थोड़े अंदरूनी झगड़े जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जो शायद नहीं होने चाहिए, खासकर इन चार पांच रियासतों में जहां इलेक्शन हो रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान एक लड़ाई सामने आई और दोनों कहने लगे कि हम यूपी में तमाम सीटों पर लड़ेंगे, ये इंडिया अलायंस के लिए अच्छी बात नहीं है। इंडिया गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग एक मुश्किल काम है, क्योंकि कई राज्यों में इंडिया के ही घटक दल आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। 6 राज्य तो ऐसे हैं जहां लड़ाई के केंद्र में खुद कांग्रेस पार्टी ही है, पर ऐसी जगहों पर एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन के एक चेहरे को चुनना सबसे बड़ी चुनौती है। आंकड़ों के मुताबिक बिहार, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन में है। बिहार, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु पांचों राज्यों में 161 सीट है। बिहार में जेडीयू और महाराष्ट्र में शिवसेना चुनाव के बाद गठबंधन में शामिल हुई। ताजा समीकरणों के मुताबिक केरल में कांग्रेस यूडीएफ गठबंधन में और इसी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। इसके साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, असम और पूर्वोत्तर के राज्यों की 235 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा सहित दक्षिणी राज्यों में इंडिया में शामिल दूसरी पार्टियों का कोई खास जनाधार नहीं है, और दक्षिण भारत के ज्यादातर राज्यों की सीटों पर कांग्रेस का ही दावा मजबूत नजर आ रहा है। कांग्रेस के टॉप लीडर्स का मानना है कि सबके बावजूद सीट बंटवारे में कोई खास मुश्किल नहीं होगी। गठबंधन की एकता की गठरी की मजबूती पर पीएम मोदी और उनके कारकुन पहले से ही सवाल दागते रहे, और अब इंडिया गठबंधन में शुरू हुई सिर्फ अटव्वल ने सरकार को विपक्ष पर हमले का मौका दे दिया। साथ ही सीटों को लेकर शुरू हुई खींचतान ने विपक्ष के एजेंडे पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। पटना से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।